भोपाल भाती में अक्सर लोग बेंट होकर बैठते हैं और बहुत ही स्पीड में ब्रीथ आउट करते हैं, जिसके कारण लाभ के बजाय हानि मिलती है। बैक को स्ट्रेट करके बैठें, धीरे धीरे ब्रीथ आउट करें, नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करें, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। नाड़ी शोधन में अक्सर लोग अपनी आंखों को खोलकर नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। आंखों को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल, नोज को प्लग करके सांस को होल्ड करें, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल, धीरे धीरे एक्सहेल, पूरा ध्यान सांस के ऊपर, राइट नोस्ट्रिल से इसी स्टेप्स को दोहराएं, इनहेल होल्ड एक्सहेल। पश्चिम उत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड में अक्सर लोग अचानक बेंड हो जाते हैं, जो कि सही स्टेप्स नहीं है। धीरे धीरे बेंड होना है और पश्चिम उत्तासन में अक्सर लोग अपने नीज को फोल्ड करके स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। सही स्टेप्स है अपने नीज को फोल्ड ना करें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, ब्रीथ आउट के साथ धीरे धीरे बेंड होना है, लेग्स को फोल्ड नहीं करना है, नीज को फोल्ड नहीं करना है, ब्रीथ को होल्ड कर कुछ सेकेंड्स के लिए इस पोजीशन में रुकना है। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों बॉडी को ऊपर उठाना है, ब्रीथ आउट के साथ हाथों को फ्लोर पर वापस लाना है। सेतु बंधासन पोज में अपनी बैक को अचानक ऊपर ना उठाएं, यह बिल्कुल गलत है। पाम्स को अपवर्ड पोजीशन में ना रखें, यह बिल्कुल गलत है। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएं, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में नाभि के नीचे दबाव महसूस होती है, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड है, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें, चिन चेस्ट से सटी हुई रहेगी। इस पोज में चिन चेस्ट से सटी हुई है, यानी जालंधर बंद। कुछ सेकेंड्स के बाद एक्सहेल के साथ अपनी बॉडी को वापस फ्लोर पर धीरे धीरे लाएं, स्टार्टिंग पोजीशन में आएं। कोबरा पोज में अपनी बैक को अचानक ऊपर ना उठाएं। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें, यानी सांस को रोक कर इस पोज में रुकें, ब्रीथ आउट के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं।